हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुंजन कटारिया, योर फाइनेंशियल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि एजुकेशन लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उससे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन लोन होता क्या है। कोई भी हायर एजुकेशन या ग्रेजुएशन के लिए लिया गया अमाउंट जो आपकी स्टडीज में काम आए, उसे हम एजुकेशन लोन कहते हैं। और इस एजुकेशन लोन में एक मॉरेटोरियम पीरियड मिलता है। जब तक आप स्टडी कर रहे हैं, आपको कोई ईएमआई पे नहीं करनी है। आपका स्टडी कंप्लीशन के बाद में ईएमआई स्टार्ट होगी और इतने टाइम का जो इंटरेस्ट होगा वो आपका ईएमआई में आगे बढ़ेगा, ईएमआई में कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि एजुकेशन लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर अगर मैं बोलूं तो जी हाँ, अगर आपको अपने बच्चे को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है तो एजुकेशन लोन लेना चाहिए। ये कितने अमाउंट का लेना चाहिए, किस पर्पस के लिए लेना चाहिए, कौन सी स्टडीज के लिए लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपका जो भी चाइल्ड है वो कहाँ पर एडमिशन ले रहा है। अगर किसी वेल नोन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा है जहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस हुआ है एजुकेशन पे वो उसको कवर कर सके, जब भी वो जॉब लगती है आफ्टर द पीरियड ऑफ स्टडी, जब भी जॉब लगती है उसके बाद अगर वो कवर कर सके उस अमाउंट को, तो एजुकेशन लोन ज़रूर लेना चाहिए। उससे आपको एक एक्सपोजर मिलेगा और आपके साथ साथ आपको ये भी पता रहेगा कि आपको पर्टिकुलर इस लोन को चुकाने के लिए हमको इतना जॉब ऑफर तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप किसी मीडियोकर कॉलेज के स्टडी के लिए लोन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और वहाँ का प्लेसमेंट इतना नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब हम बात करें एजुकेशन लोन कहाँ से लेना चाहिए। एजुकेशन लोन नियर बाय बैंक से लेना चाहिए, इंस्टीट्यूट के, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट डायरेक्टली बैंक्स में रिकमेंड करते हैं कि पर्टिकुलर इस सीट के लिए हमारे पास ये बैंक में ये अवेलेबल लोन है, तो वो आप ले सकते हैं। सो अगर आप एजुकेशन लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कॉलेज के बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत है। उस पर्टिकुलर MBA कोर्स या कोई भी आप डिग्री लेते हैं उस कोर्स की मार्केट वैल्यू क्या है, और उस मार्केट वैल्यू के साथ साथ उस कॉलेज का क्या प्लेसमेंट है जो कि आपको इन फ्यूचर फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड कर सके। तो इन सब पे रिसर्च करके ही डिसाइड करिएगा कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है और कितने अमाउंट तक का लोन उस कॉलेज के लिए फिजिबल है। अदरवाइज क्या होगा कि आपने लोन ज्यादा का ले लिया और आपका प्लेसमेंट जॉब ऑफर इतना नहीं हुआ तो आप अपनी EMI भी नहीं पे कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि लोन कहाँ कितने अमाउंट तक आपको मिल सकता है। अगर आप 4 लाख तक का एजुकेशन लोन लेते हैं तो उस पे कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ना ही कोई मॉर्गेज रखनी पड़ती है। पर अगर आप 4 लाख का पेमेंट, अगर आपने 4 लाख का लोन लिया है पर आप उसकी EMI नहीं पे कर पाएंगे, तो उस केस में जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, सिबिल हो गई है, इकरा हो गई है, ये आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगी ताकि इन फ्यूचर आप लोन लेने में आपको इश्यू आएगा। सेकंड, हम बात करते हैं अगर आपने 4 से 7.5 लाख तक के बीच का लोन लिया है तो आपको एक गारंटर की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपके साथ साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, लोन के डॉक्यूमेंट्स है, उस पर वो गारंटी के लिए वो साइन करेगा। फिर हम बात करेंगे अगर आपका 7.5 लाख से अबव का लोन है तो आपको मॉर्गेज रिक्वायरमेंट होगा, और उस केस में आप अगर इन फ्यूचर अगर आप वो EMI नहीं पे कर पाते हैं तो आपका जो भी मॉर्गेज आपने रखा है बैंक के पास, तो बैंक कैन सेल दैट टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ योर लोन। अब हम बात करेंगे किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट, IIT, IIM या फिर कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, उस केस में बैंक मेजॉरिटी टाइम कोई भी मॉर्गेज नहीं रखता है या कोई भी गारंटर नहीं रखता है, और वो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपका एकेडमिक्स कितना है अभी तक का और आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहे हैं उसका प्लेसमेंट कितना है। अगर वो कोई वेल नोन इंस्टीट्यूट है तो उस केस में हमारा जो भी एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट होगा वो भी मिनिमम होगा और कोई भी गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर अगर हमारा कोई ऐसा मीडियोकर कॉलेज है तो उस केस में यहाँ पर एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट भी लगेगा, और जी हाँ, EMI भी आपको टाइम टू टाइम जैसे ही स्टार्ट होता है उस टाइम पे करना पड़ेगा। इसमें एक और ऑप्शन अगर आप ले सकते हैं, अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं विथ योर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम आप अपना इंटरेस्ट पे कर सके,
ताकि इन फ्यूचर जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा उस टाइम आपको इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आप साथ साथ में इंटरेस्ट आपने पे कर दिया तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो ही आपको चुकाना होगा, इसमें एड ऑन इंटरेस्ट अमाउंट नहीं लगेगा। तो ये हमारा डिस्कशन है कि आपको अगर एजुकेशन लोन लेना है तो आप सोच समझ के लीजिए कि आपको किस कॉलेज के लिए लेना है और कितने पर्टिकुलर अमाउंट का लेना है और उसका मार्केट वैल्यू क्या है इस कोर्स का और कितना फिजिबल है आपको ये कोर्स करने के लिए ये पर्टिकुलर लोन लेना। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।